ऑलराइट दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पोको एक्सपोर प्रो 5G1 के अंदर मैं फ्री फायर का गेमिंग टेस्ट करके दिखाऊंगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अभी इस फोन का हालत काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को पोको का फ़ोन अवॉइड करूँगा, लेने से अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो पोको X3 प्रो और पोको M2 था, उनका फ़ोन का हालत बहुत बुरा हो चुका है। पहला बात, पोको M2 का तो मेरे साथ में जो बैटरी का स्कैम हो गया, मतलब बैटरी ख़राब हो गया था पोको M2 का, और पोको X3 प्रो का साथ में जो हुआ था, आप लोगों को पता ही है, मदरबोर्ड का इशू। तो उस फ़ोन का हालात भी काफ़ी अच्छा नहीं है, मतलब सही तो किया लेकिन बहुत पैसा खर्च हो गया। रैम का दिक्कत आ रहा था और मदरबोर्ड का थोड़ा मोड़ा दिक्कत आ रहा था, स्टोर से बोल रहा था, तो मेरा रैम सही करने से ही फ़ोन सही हो गया। करीबन 3000 का कॉस्ट आया था पोको X3 प्रो को सही करने के लिए। तो ओवरऑल दोस्तों, आप लोग पोको का ये फ़ोन ले सकते हो, बहुत अच्छे से ये फ़ोन भी काम कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को अवॉइड करने के लिए ही बोलूँगा। तो फिलहाल अभी देख लो आप लोग जो क्लास का रैंक है अपना, 26 आवर के अंदर में एंड हो जाएगा। तो मेरा इस बार ग्रैंड मास्टर नहीं हो पाया है। तो इस फोन के बारे में बात करें तो इस बार आप लोग देख सकते हो, ग्राफिक क्वालिटी अल्ट्रा मैक्स है। सेंसिटिविटी आप लोगों को रिसेट करके दिखाता हूँ, इसको मैं रखूँगा 90 पे और 85 पे, ये नॉर्मल है। कंट्रोल देख सकते हो आप लोग इस फोन, इस ग्राफिक के साथ में मैं खेलता हूँ। और दोस्तों, मैं ज़्यादा PC पे गेम प्ले करता हूँ, फ़ोन पे ज़्यादा अभी गेम प्ले नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा फ़ोन पे खेलने में टाइम लगेगा, ठीक है। और PC में ज़्यादा ग्रैंड मास्टर और CS रैंक पुश करता हूँ, तो आप लोग समझ ही सकते हो PC में खेलना कितना मुश्किल होता है। और फ़ोन पे अभी खेल रहा हूँ फिलहाल वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग देख सकते हो सामने कितना तगड़ा तगड़ा बंदा आया है, तो इनको थोड़ा अच्छे से हेडशॉट नहीं मार पाऊँगा, तो इसलिए मुझे थोड़ा देखता हूँ क्या होता है, मैं मार पाता हूँ या फिर नहीं मार पाता हूँ। तो मैं थोड़ा छुप छुप के खेलूँगा, मतलब होल्ड करके खेलूँगा। CS रैंक है ये, कस्टम नहीं है, ठीक है, मैं फुल्ली रश करके खेलूँ। तो इधर अपना टीममेट को मार दिया, उनको जाना पड़ेगा। हाइड बे यार चूतिया, अरे आना इधर, डाउन है, हाइड बे, मत घुस अभी, अरे ये कटाना से मार देगा, चूतिया है क्या भाई। भाई क्या करे बोलो, दोनों को मारने लायक डैमेज दे दिया था मैंने इनको। क्या ऐसा ही होता है दोस्तों, टीममेट अगर अच्छा नहीं मिला ना, तो आपका CS रैंक खेलने का कोई मतलब नहीं है, टीममेट आपको अच्छा लेना पड़ेगा। मैं तो जो रैंडम बंदा है उनके साथ में खेल रहा हूँ अभी, तो टीममेट अच्छा लेना पड़ेगा, तो अभी बैकअप से ही खेलना पड़ेगा, नहीं तो हार जाएंगे ये मैच भी। पहले 2-3 वीडियो बनाया था उस पर बहुत अच्छा बंदा नहीं आ रहा था, बार बार हार ही जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ इस बार थोड़ा बैकअप से ही खेलूँगा पूरा का पूरा। देखो एक भी बंदा नहीं आया अभी तक, डाउन मत होना कोई, ठीक है भाई, डाउन कैसे नहीं होगा, ये लोग अपना टीम मेट है, क्या करे बोलो। ऐसे ऐसे बंदा है ना, देखो पीछे से आ रहा है, ऐसा ही होता है CS रैंक में। देखो ये 76-79 बंदा लेवल का बंदा है, 4G की बात भी हारेंगे, रश भी नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। फिर भी जीतने का ट्राई रखते हैं, हो सकता है ये मैच हार जाएंगे, हार जाएंगे ये मैच भी। जैसे CS रैंक में अगर मैं चाहूँ तो जीता हुआ मैच ले सकता हूँ, लेकिन देखो क्या होता है, बस कमबैक भी हो सकता है ये मैच भी, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है क्या कुछ होगा, हर एक तो रेस्ट करने का मूड पे देखते हैं अब क्या होता है। नेट ना करते कोई अपने साइड में,
चलो देखते हैं जीत पाएंगे शायद से। बहुत मुश्किल होता है दोस्तों ट्रिपल किल करके ये मैच जीता है, बहुत मुश्किल होता है गेम प्ले करना। रिवाइव दे दो भाई, रिवाइव दो, रिवाइव दो, इन लोगों की माँ की भरोसा करके जीतना पड़ता है। गाली आता है मुंह में दोस्तों, क्या ही बोले, बोला था ना कमबैक भी हो सकता है, कोई डिपेंड नहीं होता। देखो मैंने ट्रिपल किल कर दिया इस बार, अपना टीममेट अगर अच्छे से खेलता है तो जीतने का चांसेस बढ़ जाता है, टीममेट के ऊपर डिपेंड करता है क्या कुछ होगा मैच। चलो डाउन है पूरा लाइन अपने दोस्तों, एक बंदा ऊपर है बहुत दूर तक है। एक बहुत लॉन्ग से डैमेज दे रहा है तो इनको भी थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा। कैसे जीतू यार, क्या जीते बंदा यार, हेड बे इधर ही बैठा हुआ था यार बंदा, क्या घटिया टीममेट आता है अपने टीम में साले, इन लोगों को खेलना तो आता नहीं है, आ जाता है गेम खेलने। चलो अपना तरफ से फुल ट्राई करते हैं हम जीतने का, और देखते हारते हैं जीतते हैं, कम बैक तो अभी भी नहीं हो सकता लग रहा है। टीममेट बहुत अच्छा खेल रहा है अपना टीममेट, इन्हें भी बहुत मस्त मार रहा है, जो भी बोलो आप लोग। मैं बैकअप लेने का ट्राई करता हूँ, ये लोग बैकअप में को कुछ लेने का लायक नहीं है। क्या बंदा यार, पूरा दिमाग खराब करता है। हेड बे यार, क्या घटिया गेम प्ले, दिमाग खराब हो चुका है। तो बार दोस्तों आप लोग गेम प्ले तो देख ही चुके हो,
काफ़ी अच्छे गेम प्ले होता है। अपना टीममेट अच्छे से लेना पड़ेगा, नहीं तो जीतोगे नहीं, हारोगे हमेशा, तो ये बोलना चाहता हूँ। और फ़ोन की हीट की बात करो तो नॉर्मली है, गेमिंग के लिए काफ़ी मस्त चल रहा है। तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ बैटरी कितना हीट हुआ है। अभी फ़ोन के अंदर में न्यू अपडेट आया है जिससे क्या सिक्योरिटी के अंदर में आप लोगों को वो दिखा रहा है। तो बैटरी ड्रेन देख सकते हो आप लोग कैसे हो रहा है। तो फ्री फायर मैक्स के अंदर में मेरा 100% बैटरी सही हुआ, तो मतलब 1 घंटे बैटरी खेला है, CPU मतलब इतना % यूज़ हो रहा है टोटली। तो 1 घंटे गेम प्ले करने के बाद में मेरा 94% का बैटरी ड्रेन हुआ था। तो आप लोग समझ सकते हो कितना ज़्यादा हीट हुआ है मैक्स ग्राफिक में खेलने से। तो इतना ही था आज के लिए, इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।